अलायंस क्लब पठानकोट की ओर से अध्यक्ष संदीप शर्मा की अध्यक्षता में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विशेष रूप से डॉक्टर एमएल अत्री व उनकी पत्नी सविता अत्री उपस्थित रहे। वहीं मुख्य रूप से रीजनल चेयरमैन प्रदीप भारद्वाज व जोन चेयरमैन वरिंदरजीत कलेर भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर एमएल अत्री को कोरोना काल में पठानकोट में मेडिकल की बेहतरीन सेवाएं देने के लिए सम्मानित किया गया। क्लब पठानकोट के जोनल चेयरमैन श्री वरिंदरजीत कलेर जी, उन्होंने प्रेजिडेंट मनोज लोहिया जी, आनंद शर्मा जी और साढ़े बड़े भरा प्रदीप भारद्वाज जी, इन्होंने अज मेरे होस्पिटल आके मैंने जो रिस्पैक्ट जो आदर सम्मान दिता है, मैं इन्हों दिल दिया गहराइया तो शुक्रिया अदा करदा। इन्होंने जोड़ा ये सारे जोड़ा मैं अज की जी रिस्पैक्ट दिती है मेरे कामों देखते हुए की है जी, मैं एक बार इन सारे मैंबरस का दिल दिया गहराइया तो थैंक्स करदा। ये क्लब जी है ये सोशल काम बहुत करती है, बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पठानकोट करती है और मैं परमात्मा अगर यही अरदास करदा कि ये क्लब के उत्ते अपना आशीर्वाद बनाए रखे ता जो ये क्लब अगे भी समाज भलाई के वधिया तो वधिया काम करते रहन। जय लाइन जय जय लाइन्स क्लब पठानकोट की तरफ से मैं अपने जोन चेयरमैन एली वरिंदरजीत कलेर, प्रधान संदीप शर्मा, अपकमिंग प्रधान आनंद शर्मा और उनके साथ मनोज लोहिया जी, संजीव गई सी उनके साथ, अपने मेंबर्स के साथ आज डॉक्टर एमएल अत्री के हॉस्पिटल में यहाँ पर पहुँचे हैं। एक तो आज के दो कार्य के लिए हम यहाँ पर पधारे थे, एक तो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है 23 मार्च को कवाड़ी धर्मशाला में, उसके लिए डॉक्टर साहब को आमंत्रित करने के लिए आए हैं। दूसरा जो डॉक्टर साहब का सहयोग जो योगदान पठानकोट में चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर साहब ने दिया है और दे रहे हैं, उन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए हमने ये विचार किया कि अलायंस क्लब इंटरनेशनल की तरफ से डॉक्टर साहब को सम्मानित किया जाए और उन्हें उन इस योगदान के लिए उन्हें पूर्व सम्मानित किया जाए। आज मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचा हूँ। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत मुबारक कि वो बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं, पठानकोट के लोगों की सेवा कर रहे हैं और बड़े ही रीजनेबल रेट्स पर ये यहाँ पर चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से डॉक्टर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उनकी धर्मपत्नी उनके साथ हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर साहब ऐसे ही पठानकोट की जनता की सेवा करते रहेंगे और इस कोरोना की जो महामारी अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, उस महामारी के दौरान भी ये लोगों की सेवा जन अपने पूरे अंथक प्रयास के साथ कर रहे हैं। मैं अपनी क्लब की तरफ से, अपनी एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ और अब सभी मेंबर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो आज समय निकाल कर यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय लाइनेंस, जय भारत।